जय हिंद दोस्तों। हे गाइस, वेलकम टू दिस सेकंड वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट को कोड कैसे करना है सी लैंग्वेज में, और हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको यूजफुल होंगे लिंक लिस्ट की कोडिंग के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स, जो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिनोट करते हैं, और उसके बाद पॉइंटर्स जो एस्टेरिस्क यूज़ किया जाता है, एस्टेरिस्क, और मैलॉक फंक्शन जो मेमोरी एलोकेशन के लिए काम में आएगा। जब आप लिंक लिस्ट को मेमोरी एलोकेट करोगे तब मैलॉक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एरे की तरह लिंक लिस्ट में कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। तो हर बार जब आपको मेमोरी का ब्लॉक एलोकेट करना पड़ेगा तो मैलॉक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मैलॉक फंक्शन एक बार देख लीजिएगा, और डैश ऑपरेटर पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इन कंसेप्ट से फैमिलियर नहीं है तो एक बार इन्हें देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ज़्यादा कुछ आपको नहीं लगेगा इन सब का, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। तो हम अभी देखते हैं कि वो कोड कैसे करना है। उसके लिए हम हमारा आईडी ओपन कर लेते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं वी एस कोड। आप चाहे तो कोई नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर या फिर कोई और आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छी आईडी नहीं हो टेक्स्ट एडिटर है। और वी एस कोड जो है उसमें आपको स्निपेट्स मिलते हैं, और ये रन बटन वो सब कुछ अवेलेबल रहता है, टर्मिनल भी इसका रहता है। तो ये एक आईडी है जो काम में आती है, और टेक्स्ट एडिटर में सिर्फ आपको टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, उसमें भी स्निपेट्स होते हैं काफ़ी सारे। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में काफ़ी फैसिलिटीज़ है, अच्छे अच्छे फंक्शंस है, और बाकी डेव सी प्लस प्लस भी एक अच्छी आईडी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं जल्दी से, जो हमें लाइब्रेरीज इसमें लगने वाली है, इंक्लूड किया जाता है सी में, सॉरी, जो नॉर्मल हम करते हैं वो stdio.h, वो आपको सब पता ही होगा। और उसके बाद जो हम मैलॉक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए हम जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे वो है stdlib.h। इसमें आपको जो आपका मैलॉक फंक्शन है वो रहेगा, इसलिए आपको ये इंपोर्ट करनी है। अभी हम मेन फंक्शन बना लेंगे जल्दी से। उसके पहले हमें जो हमारा लिंक लिस्ट है उसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वो आपको यूज़ करना है लिंक लिस्ट का ब्लॉक बनाने के लिए। स्ट्रक्ट टाइप करेंगे, आपको स्निपेट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर वीएस कोड में, तो आप डायरेक्ट स्निपेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी, जो आपको नॉर्मल सिंटैक्स बता देता हूँ मैं क्या होता है स्ट्रक्ट का। स्ट्रक्ट, उसके बाद में जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम, अभी हम लिस्ट देंगे उसको नाम, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस और एक सेमीकोलन रहता है स्ट्रक्चर में। उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स रहेंगे वो डिक्लेयर करेंगे, उनका डेटा टाइप और उनका नाम। तो अभी हम हमारी लिस्ट के लिए वैल्यू, जो उसमें वैल्यू रहेगी उसको वैल्यू बोलेंगे। उसके बाद में जो ये ट्रिकी पार्ट है, उसके बाद जो लिंक लिस्ट में लिंक होती है आगे के ब्लॉक की, जो आप पहला वीडियो वो रेफर कर सकते हैं इसकी थ्योरी के लिए, तो उसके लिए हमें ऐसा, उसके लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए रहेगा जिसका टाइप रहेगा स्ट्रक्ट लिस्ट, उसका टाइप रहेगा स्ट्रक्ट लिस्ट, और पॉइंटर के लिए हम दे देंगे उसको एस्टरिस्क, और उसका हम नाम देंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्लेयर। जो लिंक रहेगा, लिंक का पार्ट रहेगा लिंक लिस्ट का, वो उसको ऐसे डिक्लेयर करना है। और अभी हम एक ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे, जो रूट है, जो हमारा रूट रहेगा जो हेड को पॉइंट करेगा उसको हम हेड भी बोल सकते हैं, हेड दे देते हैं नाम। ये जो हमारा फर्स्ट वाला लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड रहेगा उसको पॉइंट करेगा, इसलिए हम उसे हेड बोलेंगे, हेड पॉइंटर। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हार्ड कोड करके देखेंगे कि ब्लॉक्स मैन्युअली बनाएंगे पहले, तो सबसे पहले स्ट्रक्ट लिस्ट, स्ट्रक्ट लिस्ट उसका टाइप रहेगा, और हम बोलेंगे फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हमें मेमोरी एलोकेट करनी है, तो सबसे पहले उसके लिए मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मैलॉक के अंदर रहेगा साइज ऑफ, इसका मतलब ये है कि मैलॉक फंक्शन जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेगा वो किस साइज का रहेगा, तो वो रहेगा स्ट्रक्ट लिस्ट, स्ट्रक्ट लिस्ट साइज का रहेगा। और इसका हमें उसको किस टाइप का रहेगा, उसका हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, तो वो रहेगा स्ट्रक्ट लिस्ट पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर रहेगा जो फर्स्ट रहेगा, वो जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया जाएगा वो एक पॉइंटर रहेगा, और जो उसका ब्लॉक का जो साइज रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्ट लिस्ट के जितना, मतलब
इंट वैल्यू और स्ट्रक्ट लिस्ट नेक्स्ट जो है उसको स्टोर करने के लिए जितनी जगह लगेगी उसके लिए हमें हमारा मैलॉक फंक्शन हमें ब्लॉक अलोकेट करके देगा। तो अभी आगे देखते हैं। इसी तरह से हम एक काम करेंगे कि बाकी के तीन ब्लॉक्स बना लेंगे। कंट्रोल प्लस डी यूज़ किया है मैंने, शॉर्टकट है, आप कर सकते हैं सीधा सीधा। बस आपको अभी यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो फर्स्ट हमारा नोड रहेगा और जो हमारा हेड पॉइंटर है, इससे हेड इक्वल टू फर्स्ट, ये हमने दे दिया है अभी कि हेड जो है वो फर्स्ट वाले ब्लॉक को, जो ब्लॉक फर्स्ट के मैलॉक फंक्शन ने अलोकेट किया उसको पॉइंट कर रहा है। अभी हम उसको वैल्यूज देंगे, तो फर्स्ट डैश वैल्यू इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 डाल देते हैं। तो ये जो है फर्स्ट की, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक एलोकेट किया था उसके वैल्यू वाले सेक्शन में 10 वैल्यू डाल देगा। इसी तरह से हम चारों को वैल्यूज दे देंगे एक एक करके। अभी हमने जो वैल्यूज दे दिए, तो अभी हमको क्या करना है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ब्लॉक है उनको एक दूसरे से लिंक करना है। तो फर्स्ट में हम देंगे सेकंड के जो, सेकंड का जो मेमोरी एड्रेस है उसकी जो लिंक रहेगी वो फर्स्ट में रहेगी। तो हम अभी फर्स्ट जो हमने एक ब्लॉक बनाया था नेक्स्ट जो पॉइंटर टाइप का है उसमें हम डालेंगे सेकेंड की वैल्यू, मतलब जो हमारा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इस स्ट्रक्चर का, तो वो एक पॉइंटर है और अभी वो पॉइंटर जो है वो सेकेंड को पॉइंट कर रहा है। अभी उसी तरह से हम जो हमारा सेकेंड और जो थर्ड है उसको हम वैसे ही आगे के इसमें कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये हमने लिंक तो दे दिए हैं। अभी जो फोर्थ वाला रहेगा उसको हमें क्या करना है कि फोर्थ वाले का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसे हम नल दे देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है देने की, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो आपको काम में आएगा ये। नल नहीं भी दिया तभी भी वैसे वो कंसिडर कर लेगा कुछ ना कुछ नल जैसा या फिर गार्बेज वैल्यू। तो नल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नल देना एक अच्छी प्रैक्टिस है। अभी ये हमारी लिंक लिस्ट बन तो गई है, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कुछ एरर आता है या फिर कुछ सक्सेस कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुल है ये, इसमें कोई एरर नहीं है अब तक, इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट बन चुकी है। अभी हम एक काम करेंगे कि लिंक लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कैसे करना है आपको कि जो सबसे पहला रहेगा उसे हम प्रिंट करेंगे और उसके बाद की जो वैल्यूज है वो एक फॉर लूप में डाल के प्रिंट करेंगे। हम हार्ड कोड करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हैं अभी। तो सबसे पहले प्रिंट करने के लिए हम एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम देंगे टेम्प नाम देंगे। स्ट्रक्ट लिस्ट देना है आपको, स्ट्रक्ट लिस्ट पॉइंटर टेम्प टेम्प्ररी इक्वल टू, इसको एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट कर देंगे जिसका टाइप रहेगा स्ट्रक्ट लिस्ट पॉइंटर, और उसके बाद इसको डाल देते हैं कर्ली ब्रेसेस ब्रेसेस में, राउंड ब्रेसेस में डालेंगे, ठीक है। और अभी मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, ये हम क्यू यूज कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा अभी, क्योंकि हमें जो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे लिंक लिस्ट में, जैसे ट्रावर्स करेंगे लिंक लिस्ट को, वैसे ट्रावर्स क्या होता है अगर ये आपको देखना है तो हमारी फर्स्ट वीडियो देखिए आप, उसमें आपको सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे। तो जैसे जैसे लिंक को ट्रावर्स करेंगे लिंक लिस्ट को, तो जो वैल्यूज रहेगी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में स्टोर्ड है वो एक जगह पर टेम्परली स्टोर करनी है, फिर उसको प्रिंट करना है, ठीक है। अभी इसका टाइप देंगे हम, इसको साइज देंगे हम स्ट्रक्ट लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा हेड पॉइंटर जो रहेगा उसकी हम वैल्यू टेम्प को दे देंगे, ताकि जो हमारी हेड रहे, हमारा जो हेड रहेगा जो फर्स्ट नोड रहेगी उसकी वैल्यू टेम्प के पास आ जाए, फिर आगे वो लिंक को ट्रावर्स कर सके, लिंक लिस्ट को ट्रावर्स कर सके।
तो अभी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नोड रहेगा उसको प्रिंट करेंगे, परसेंट देखते हैं रन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। तो अब इसके आगे का जो रहेगा, वो आप जो वैल्यूज रहेगी वो आप एक फॉर लूप में डालकर भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी अब जो आगे की वैल्यूज रहेंगी वो हम एक फॉर लूप में डालकर प्रिंट करेंगे। फॉर लूप नहीं, हम एक वाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि वाइल लूप में थोड़ा आसान जाएगा। इसको दे देंगे हम टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन देंगे। ये कंडीशन अगर आपको समझ नहीं है तो मैं भी बताता हूँ कि जो हमने वैल्यू दी है नल, जैसे ही अभी एक हम यहाँ पर कंडीशन जो डालने वाले हैं वो है कि टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो इसका मतलब वो ऐसा रहेगा कि जैसे ही ये वैल्यू प्रिंट करता है टेम्प में, अगले वाले नोड की जो लिंक है वो आ जाएगी, और फिर लूप में जब रिपीट होगा तो ये अगले वाले नोड में जो वैल्यू है वो स्टोर करेगा और वही प्रिंट करेगा। तो जब तक ये नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक इसकी वैल्यू जो है लास्ट वाली जो हमारी नोड है वो नहीं हो जाती, टेम जब तक लास्ट वाले नोड तक नहीं पहुंच जाता तब तक कि वो प्रिंट करता रहेगा। अभी हम रन करके देखते हैं होता है या नहीं। एक स्पेस तो दे दिया है, ये देखिए हो रहा है प्रिंट, जैसे देखिए बड़ा ये प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो गया है। अभी ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था। अभी जो हम करेंगे कि ये हमने हार्ड कोड किया है उसको ही हमको एक यूजर डिफाइंड लिस्ट बनानी है, जैसे जब यूजर साइज देगा तो उसी साइज की लिस्ट बननी चाहिए।